सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जी हाँ दोस्तों, एक दफो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जे कदे तवां के भी पेंजन बारन ला मैचिंग घर खपन त अजु ही कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिम से गौशाला ब्रिज, जो लगभग 4 दशक पुरानी पुल है, अब इस पुराने पुल को तोड़कर वहां 4 करोड़ रुपए की निधि से नए पुल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मानसून के दौरान उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पश्चिम वालों को चिंता होती है कि गौशाला वाले रोड से उल्लासनगर स्टेशन कैसे पहुँचे। हर बार बरसात में वालदूनी नदी का पानी बढ़ने से गौशाला वाला पुल पूरी तरह से डूब जाता है, जिसकी वजह से स्टेशन की तरफ रहने वाले संजय गांधी नगर के हजारों नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इसी तरह लोकल ट्रेन से आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ती थी, जहाँ लंबे समय से स्थानिकों और शहरवासियों की गौशाला पुल के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही थी। जहाँ पूर्व स्थायी समिति सभापति दीपक टोनी सिरवाणी के प्रयासों से अब इस पुल का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसका आज भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर आमदार कुमार एलानी, बीजेपी अध्यक्ष जमनू पुरसवाणी, पिंटो भटीजा, शंकर शेरी लुंड, मनोहर खेमचंदानी, नाना पवार, सुनील सिंह कलवा, शिवाजी रगड़े, स्थानीय रिक्शा चालक, स्थानीय रहवासी भी वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद रहे। वहीं इस पुल के पुनर्निर्माण से स्थानीय रहवासियों और वालदूनी नदी बिरादरी की तरफ से टोनी सिरवाणी जी के काम के लिए उन्हें धन्यवाद व्यक्त किया गया। बहुत अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। पानी पीने का बाढ़ आता है, रिक्शा विक्शा कितनी पलटी हो गए, रिक्शा पलटी हो गए थे, बाइक पलटी हो गए थे, स्कूल के बच्चे बच्चे आते जाते यहाँ से मदरसा के, और अच्छा हो जाएगा। 4 महीना बहुत त्रास होता हम लोग को भी, धंधे विंधे का भी पूरा बंद हो जाता है, धंधा पानी है नहीं। पहले ऐसा गाड़ी का गैस का भाव बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, हम लोग का हालत ख़राब है। पहले धंधे लोग का बहुत ख़राब चल रहा है। अच्छा ना बनाइए ना, अच्छा हो जाएगा ना हम लोग के लिए, भी टेंशन नहीं रहेगा ना 4 महीना हम लोगों को। बस रोड बनाइए, हमारे लिए अच्छा है। हमारे नगर सेवक टोनी भाई साहब बन रहा है, वो कर रहे हैं हमारे लिए, स्वागत कर रहे हैं उसके लिए। उस कितने साल से यहाँ पर ऑटो चला दिया? अभी कम से कम 8 साल पानी का ये बहुत गंदा पानी, ये वो अभी सर ने अभी ध्यान दिया है तो सबको कम से हो रहा है। बारिश में बहुत तकलीफ होता है, हम लोग बहुत तकलीफ हो रही है। 2-3 महीना हम लोग का ये ब्रिज बंद हो जाता है, पानी भर जाता है पूरा, हाल बच्चे आ जाने को सब कुछ दिक्कत होता है। कोई बॉडी वीडी भी होगा तो वो बॉडी को एम्बुलेंस भी आने को बहुत तकलीफ होता है। जैसे कैसे की घड़ी घंटी लोग यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह गाड़ी वगैरह आती जाती रहती है, क्योंकि क्राउड एरिया स्टेशन पे, और उस साइड के जो स्टैंड वगैरह है वो भाड़ा नहीं बिठाते यहाँ पे। हमको ओटी वडलगांव 3 नंबर ओटी गुलराज टावर यहाँ का भाड़ा हम लोग को ही लेना पड़ता है। पेशेंट वेशेंट भी रहेगा, कभी कभी हम लोग लेके जाते रेलवे का, एम्बुलेंस नहीं आया तो हम लोग लेके जाते बॉडी रिक्शे में डाल के, बहुत बार गए सेंटर में लेके। हाँ बन जाएगा तो अच्छी बात है, उल्टा सबके लिए भला है। सभी शहरवासियों को रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आए हुए सभी हमारे अतिथि आमदार जी, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, RPI के माजी उपमहापौर नाना जी, शिवाजी भाई शेलके जी, मेरे सहकारी पिंटो भाई कैलाश जी, और गुलराज साहब मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, आए हुए सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। ये जो ब्रिज बन रहा है, लगभग तकरीबन 35 साल जूना ब्रिज, जो आज इसको निष्कासित करके हम जो नया ब्रिज बना रहे हैं, इस ब्रिज की ऊंचाई के कारण, जो कमी ऊंचाई के कारण रेणू का आशीर्वाद वडोलगांव अशोकनगर में पानी बाढ़ में 2-2 बार साल में पानी आ जाता था। आने वाले ये समय में हमें उम्मीद है कि अशोकनगर, रेणू का आशीर्वाद, वडोलगांव, यहाँ लासीपाड़ा, इन एरियाओं में बाढ़ का पानी नहीं आएगा। देखिए, आज पहली बात तो सबको रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ, जय श्री राम। आज टोनी सिरवाणी जी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनके साथी 3 नगर सेवक, जिन्हों के प्रयास से ये आज 3 नंबर ओटी का जो ब्रिज धर्म पैलेस, जो आज धर्मशाला गौशाला है, धर्मदास गौशाला, वहाँ से लेके उल्लास स्टेशन तक 36 मीटर का और 25 फुट चौड़ा और उसकी हाइट
जो बारिश में ये ब्रिज जो छोटी ब्रिज है उसके ऊपर से 5-6-7 फुट पानी जाता था, उसकी ऊंचाई 8 फुट ऊपर बढ़ाई गई है। जैसे आम जनता जब बारिश के समय में पानी ओवरफ्लो होता है ये ब्रिज के ऊपर से, वो ओवरफ्लो ना हो, वो ब्रिज के अंदर से नीचे से ही पानी चला जाए, ऐसे प्रयास करके ये ब्रिज को बनाया जा रहा है, जिसका टाइम पीरियड है 1.5 साल। लेकिन मैं पूरी उम्मीद से मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले रामनवमी के दिन ये ब्रिज पूरा करके इसके ऊपर आदमी चलना चालू करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज टोनी सिरवानी जी, पिंटो भटिजा जी, शिल्के जी और उनकी टीम, यहाँ के ओटी वाले, जो कठिनाई है, जो जो आज जैसा CHM कॉलेज का जो ब्रिज है वो भी जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा, उसका भी ऐसा बजट में प्रोविजन रखा गया है। आज उसके अलावा स्टेशन से बाहर जैसा आदमी निकलते हैं वहाँ पे कुछ सुशोभीकरण नहीं है, हमारा वो पूरा प्रयास है कि वो पूरी एरिया को सुशोभीकरण कर देवे। आज शहर का चारों तरफ से विकास कार्य चालू है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप सबको पूरा उल्लासनगर एक नया उल्लासनगर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। सब लोग प्यार से एक बार जय श्री राम का नाम लेंगे। जय श्री राम। आज भगवान राम का जन्म उत्सव है, रामनवमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक ऐसा मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती को दिया था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने, भगवान राम का नाम जो है लेना विष्णु सहस्त्र नाम के कई पाठों के बराबर है। तो आज इस पवित्र दिन पर मैं टोनी सिरवानी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने अथक प्रयास करके, क्योंकि स्थायी समिति में मैं भी उनके साथ में था महासभा के अंदर, और स्थायी समिति में कड़ी मेहनत लगती है जब कोई काम पास करवाना पड़ता है। यह ब्रिज जो साईं धर्मदास गौशाला से लेकर उल्लास स्टेशन को जोड़ेगा, यह 36 वर्ष पुराना बना हुआ ब्रिज है। यह पुराने ब्रिज के इतने नीचे होने की वजह से जब जब बारिश होती है तो यहाँ के कई इलाकों में पानी घुस जाता है और बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ के आसपास के रहवासी, रिक्शा ड्राइवर, यहाँ स्टेशन पर जाने वाले लोग, करीब करीब यह रास्ता बंद सा हो जाता है। लेकिन आज हमारे भाई दीपक टोनी सिरवानी जी, उनके अथक प्रयासों से 4 करोड़ का यह ब्रिज पास हुआ है और उसका आज भूमि पूजन, वो भी पवित्र दिन पर, पवित्र स्थान पर। भूमि पूजन तो कई होते हैं लेकिन आज का पवित्र दिन जब कई स्थानों पर भगवान राम के भंडारे चल रहे हैं, लोग जय जयकार के घोष कर रहे हैं और गौशाला के अंदर, जहां पर पवित्र स्थान गौशाला में सभी लोग आते हैं, और यहां पर ऐसे स्थान पर हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतने सारे लोग, कई पदाधिकारी आकर के इस राम सेतु, मैं तो इसका नाम भी आजकरण कर दूंगा कि इस ब्रिज को आगे चल के राम सेतु के नाम से जाना जाएगा, स्वामी धर्मदास राम सेतु, यह नाम आगे चल करके प्रसिद्ध होगा। और हम, मैं टोनी जी से कहूँगा कि हर रामनवमी पर यहाँ पर एक वर्धापन दिन रखें और हम सबको, जो गौशाला जाते हैं, जो नहीं जाते हैं, हम लोग तो हमेशा जाते रहते हैं, उनको एक बार ऐसे पवित्र स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो यह मेरा एक निवेदन है सभी से, स्वामी धर्मदास ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी, कि आने वाले भविष्य में जब जब इसका 1 वर्ष पूरा होगा, यहाँ पर सभी को बुला करके कम से कम हम ऐसे पवित्र स्थान पर गायों की सेवा और भगवान राम का नाम ले सकेंगे। रामनवमी का यह पर्व आसपास के लोगों को सदैव याद रहेगा। यह ब्रिज बहुत जल्द अच्छा और सुंदर बन के तैयार होगा और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में आसपास के लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी। इससे पहले भी इसी नदी पे बरोल गांव की तरफ एक ब्रिज बना था जो आधे में लटक गया था, स्थानिकों के कड़े आंदोलन के बाद फिर वो पूरा हुआ, कहीं इसमें भी तो यही नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, बरोल गांव का जो ब्रिज था, अगर मिनट्स निकाल के देखे जाएंगे तो मैं एक ऐसा नगर सेवक था स्थायी समिति के अंदर जिसने 2 घंटे तक बरोल गांव ब्रिज के कार्य को पूरा करने के लिए बहस की थी, और उल्लासनगर महानगर पालिका के 25 साल के रिकॉर्ड में ऐसा है कि जब मीटिंग को 2 घंटे के लिए रोकना पड़ा मेरी वजह से, और मैं कमिश्नर को लेकर वडोल गांव पर गया और मैंने बोला
कि यह ब्रिज जो अधूरा है उसका काम पूरा होना चाहिए, और कमिश्नर साहब ने वो देखा और उस ब्रिज का काम फिर से शुरू हुआ। तो हम जब तक एक साथ हैं, हम सब एक साथ हैं, शहर की समस्या का ध्यान रखेंगे तो कोई भी ब्रिज अधूरा नहीं रुकेगा। 4 करोड़ की यह निधि है और आने वाले दिनों में टोनी सीरवाणी जी के अथक प्रयास से हम दूसरे वर्ष नई बजट में हमने डाला है CHM कॉलेज से लेकर के उल्लास स्टेशन का जो ब्रिज है वो हम इतना बड़ा और इतना सुंदर बनाएंगे कि जितनी भी बाहर ऑटो रिक्शा खड़ी रहती है वो एक भी ऑटो रिक्शा वहाँ नहीं होगी। ऑटो रिक्शा स्टैंड पूरा अंदर होगा, लोग स्टेशन से उतरेंगे और रिक्शा में बैठेंगे और बहुत बड़ा ब्रिज बनेगा और उसकी लंबाई चौड़ाई भी इतनी अच्छी होगी कि आराम से लोग वहाँ जा सकेंगे। ब्रिज का कार्य कितने समय में पूरा होगा? देखिए, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस ब्रिज के निर्माण कार्य को पूरा करें, क्योंकि इसमें अभी फंड की आवश्यकता नहीं है। एक साथ में ही इसकी बजट बनाई गई है जो 4 करोड़ की है, वह कार्य पूरा होगा और हम दूसरा जो उद्घाटन करेंगे वो CHM कॉलेज के ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और करीब करीब 1.5 वर्ष के अंदर यह दोनों ब्रिज बन के तैयार हो जाएंगे। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की तरफ से मैं टोनी सीरवाणी जी और उनकी पूरी टीम को करोड़ करोड़ बधाइयां देता हूं। जय श्री राम। आज हम सभी यहां पर पैनलवासी, शहरवासी बहुत खुश है। करीबन 2016 से ये जो संघर्ष शुरू था इस पुल के लिए, आज ये स्टैंडिंग चेयरमैन टोनी सीरवाणी जी के प्रयासों से, सभी नगर सेवक इस पैनल के उनके सहयोग से ये पुल को मंजूरी हुई है और इस पुल का आज उद्घाटन होने जा रहा है। सच तो ये जो पुल है इसकी हाइट छोटी होने से एक तो 4 महीने जो मानसून के थे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, उसके अलावा उसके अंदर कुछ कचरा अटकता था तो पानी रिवर्स होता था। तो बाजू का जो एरिया है रेणुका, आशीर्वाद, वडलगांव, अशोकनगर, यहाँ पर बड़े तादाद पर पानी और लॉगिंग होती थी, बाढ़ का पानी जाता था। तो ये पुल बनने से ये पैनलवासी और सभी को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये पुल की हाइट होगी तो पानी का रिसाव भी प्रॉपरली होगा और लोगों को आने जाने का जो दिक्कत था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 12 नंबर पैनल मध्ये आम्ही निवडून आलो, तेव्हापासून या पुलामागे आम्ही जास्तीत जास्त बजेटमध्ये बजेट टाकलं आणि या पुलामुळे आपल्या 12 नंबरमध्ये पॅनलमध्ये सम्राट अशोकनगर, रेणुका सोसायटी, आशीर्वाद सोसायटी, वडलगाव गाव या विभागात दरवर्षी पावसाळ्याचं पाणी घुसतं, त्याच्यामुळे या पुलाची अत्यंत गरज होती और यावेळेस वेळ आली। टोनी साई शिरवाणी हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले आणि 12 नंबर पॅनलसाठी त्यांनी हा रेल्वे स्टेशन संजय गांधीनगरचा पूल पास करून घेतला वाल्दरी नदीवरचा, आणि याचं सर्वांना श्रेय जातो। आपल्या वार्डातली चारही नगरसेवक पूल बंद होतो काय समस्या थांबू शकतो? या हे हा पूल बनल्यामुळं थोडी डिग्रेड बांधल्यामुळे सम्राट अशोकनगर, रेणुका सोसायटी, वडलगाव, आशीर्वाद सोसायटी, संजय गांधी नगर या परिसरात जे पुराचं पाणी घुसतो ते आता याच्यानंतर लोकांना त्याचा फायदा मिळेल। विद्यार्थ्यांचे पुस्तक, लोकांची सामानाची नुकसान होत होतं ते आता या पुलामुळे होणार नाही। आने वाले हर साल में यहां पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जैसे कि आप देखेंगे रेणुका, आशीर्वाद, संजय गांधी नगर, अयोध्या नगर, वडलगांव, हर साल इसमें पानी भर जाता है ब्रिज की वजह से। लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत ही हमारी जो पूरी टीम थी, नगर सेविका मैडम थी हमारी, उन्होंने बहुत मेहनत किया, जो हमारी नगर सेविका मैडम ने वार्ड पुरावा किया था उसी फॉलोअप को नगर सेवक टोनी सीरवाणी जी और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक गजानन शेलके जी, सविता तोरने जी, पेंटो भतीजा जी ने इसको फॉलोअप करके अथक प्रयासों से इस ब्रिज का काम आज उद्घाटन हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है कि आने वाले समय पे जो समस्या ये पूरा पैनल झेल रहा था अब ये ब्रिज बनने के बाद में नहीं झेल पाएगा। इसीलिए मैं अपने पूरे टीम की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरे पैनल नंबर 12 की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।